प्यार बहुत अच्छी बात होती है। अच्छी बात होती है तो आप दोनों ऐसे छुप छुप के बातें क्यों करते हो? मिलने के लिए झूठ क्यों बोलते हो घर पे? और सासू माँ से क्यों नहीं बताया कि घर वाले से प्यार की बात करने जा रही हो? अब मैं सबको बताऊंगी और डंकी की चोट पे बताऊंगी कि माजी से अपने घर से एक और बारात निकालने जा रही है। पर छोरी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए भवरी जैसा मैंने कहा है। हाँ, इस खानदान में निभने वाली संस्कारी और कवारी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए माजी साहब, ऐसा नगीना धुन के लाऊंगी मैं आपके बसन के लिए कि पूरा गांव दांतों तले उंगली दबा लेगा। यूं ही भौरी भौजे नहीं कहते मुझे। हाँ, आपके जगदीश के लिए भी मैंने आनंद के घर का पता दिया था ना। सारा मोहल्ला क्या, आसपास के 10 गांव में भी ऐसी बिंदनी कहीं ना होगी। हाँ ना होगी। इस बार छोरी के लक्षण जरूर देख लेना, लक्षण बहुत जरूरी हो। गरीब हो कोई बात नहीं, खानदान वाली होनी चाहिए, समझी? हमारे घर पे तो लक्ष्मी माँ की ऐसी कृपा है, उनकी दया से किसी चीज की कमी नहीं। दान दहेज कभी लालच ना आए मन में, हैं? जरी जेवर से लाद के रखूंगी अपनी बसंत की बिंदड़ी को। पर एक बात है, खानदान अच्छा होना चाहिए। खानदान अच्छा होना तो निभने में अड़चन ना आवे, नहीं तो हर वक्त छोरी को वही उठना बैठने का सलीका सिखाते रहो। समझ रही हो ना मैं क्या कर रही हूँ? तो बस जे तय हो गया, तू बसंत के लिए एक चोखी कुंवारी छोरी ले आ। बसंत का वंश चलाने वाली आ जाए ना तो बस हमारी फिक्र खत्म। फिर सारी दुनियादारी छोड़कर पूजा पाठ में मन लगाना है बस। माजी साहब, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप कितने रईस हैं? और कौन नहीं जानता आपके खानदान को? तो तू जल्दी से अपने काम पे लग जा भौरी। हाँ, जितनी जल्दी छोरी ढूंढ के लाएगी ना उतनी बड़ा नेक पाएगी। चल 5 तोला सोने का एक बाजूबंद गढ़वा देती हूँ थारे लिए। हाँ? आपका आशीष बहुत है मेरे लिए माजी साहब। वैसे आप प्यार से देंगी तो बाजूबंद भी ले लूंगी मैं आपसे। हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ माजी साहब, हो सकता है शाम तक ही कोई शुभ समाचार मिल जाए। भाई साहब और उस बच्ची के बीच में 20 साल का अंतर होगा, क्या ये अन्याय नहीं होगा उस लड़की के साथ? और फिर ब्याह होते ही मां साहब बच्चे की रट लगा देंगे, फिर वही होगा जो जमुना भाभी के साथ हुआ। कम उम्र में गर्भ, फिर बच्चे का ना रहना, उसके बाद एक और कोशिश और एक कोशिश और नतीजा। किसी को ढूंढ रही हो जीजी? कोई आने वाला है क्या? मेरी एक सहेली। लो आ भी गई। कैसी है उमा? अच्छी हूँ। और तू? मैं भी अच्छी हूँ। मिलाई अपने बीन से? क्या क्या बातें की बताएगी? नहीं भाजन, सब बताती हूँ, भाभी सुन लेगी ना। अच्छा भाभी तुम यही रुको, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा ये पैसे रख लो, वहाँ गर्मा गर्म जलेबी मिल रही है ना, खरीद के खा लेना, ठीक है? मैं बस अभी आई। अच्छा, भूख भी बहुत लगी है, पर जल्दी आना। मैं पास में ही तो जा रही हूँ, कहीं दूर थोड़ा जा रही हूँ, अभी आती हूँ। चल भाई जी, 5 रुपए की जलेबी दो ना। Thank you.
जलेबी खाएगी? नहीं। क्यों? तुझे जलेबी अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है। तो खाना बहुत बढ़िया बनी है, गरम भी है। नहीं। क्यों शर्मा रही है? देख इतनी सारी है, मैं और भी लेकर आऊंगी, कम ना पड़ेगी। नहीं खा सकती, घर में सबने मना किया है। क्यों? विधवा हूँ ना इसलिए। सब कहते हैं विधवा को अच्छी चीज नहीं खानी चाहिए। जब से मेरा बीन गया है मैंने मिठाइयाँ नहीं खाई, घर पे कोई देता ही नहीं। एक बार छुपके से खा रही थी, सासू माँ ने देख लिया, बहुत मारा मुझे, अब नहीं खाऊंगी। पर तेरी सासू माँ तो नहीं है यहाँ, तो वो कैसे डांटेंगी? किसी पहचान वाले ने देखकर बता दिया तो। तेरा मन हो रहा है ना खाने का, तो खा ले, कोई नहीं देखेगा, चल बैठ, कोई नहीं देखेगा, खा ले, खा। मुझे ना अच्छे कपड़े भी पहनने नहीं देते, सारी चूड़ियां तोड़ दी, जब देखो डांटते रहते, कहते कि अपनी बीन को खा गई मैं। अपशगुनी और अभागन हूँ, तुझे पता है अपशगुनी और अभागन क्या होता है? नहीं पता, मेरी एक सहेली है ना फूली, वो भी विधवा है, उसे भी सब ऐसा ही बोलते हैं। पता है उसकी माँ ने उसकी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी, उसे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी। मेरे मायके में भी माँ मुझे सिंगार नहीं करने देती, बिना चूड़ियों के हाथ अच्छे नहीं लगते। देख मेरे हाथ, बहुत अच्छी है तेरी चूड़ियाँ। तुझे अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी, पता नहीं मुझे कभी पहनने को मिलेगी भी कि नहीं। अच्छा तेरा नाम क्या है? आशा। और तेरा? आनंदी। मुझे ना झूला झूलना भी बहुत अच्छा लगता है, और रस्सी कूदना, रेत की तिली पे चढ़ना, तितली के पीछे भागना, खूब मजा आता है। मैं जब मैं माँ के घर थी दिन दिन भर बगीचे में खेलती थी, माँ पड़ोस के घर में खोज खोज कर परेशान हो जाती थी। मेरी माँ भी दौड़ के आती थी मुझे खोजने, कहती थी अरे आनंदी चल घर। चंपा और फूली के साथ खूब खेलती थी मैं, लंगड़ी में मैं ही तो जीतती थी, और पेड़ पे चढ़ने में मैं सबसे तेज थी, छोरों से भी और पढ़ने में भी। कौन है रे तू? तू यहाँ घूम रही है? मैं पूरा गांव ढूंढ आया, ये ले अपनी चूड़िया, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। चलो भाभी बहुत देर हो गई, घर चलते हैं। कहाँ गई? कौन कहाँ गई? वो मेरी नई सहेली। कौन सहेली? कोई नहीं, छोड़ो चलो। ए रुक क्यों गई? जीजी अब जाओ, मैं अभी आई। पर तुम्हें अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? जाओ ना जीजी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, पास ही तो है अपना घर। ठीक है पर जल्दी आना। कहाँ चली गई थी? अच्छा छोड़, बता इसमें से तुझे कौन सा रंग पसंद है? ये वाला। चल बैठ, मैं तुझे पहना देती हूँ। अच्छा अब मैं घर जाऊँ, देर हो रही है ना, तू भी घर जा, फिर मिलेगी ना। बाकी की चूड़ियां भी तू रख ले, मैं जाती हूँ।